नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में और हमारी आज की डेली लाइफ में कंप्यूटर की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है, तो आज से हमने एक नई सीरीज शुरू करने की कोशिश की है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, जिसमें हम कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक को लेकर आएंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपने चैनल प्रणव क्लासेस पे कंप्यूटर एक सामान्य परिचय, इससे कंप्यूटर के सीरीज के शुरुआत की। कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डीसी करंट से चलते हैं, दृष्ट धारा से चलते हैं। तो कंप्यूटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही तीव्र गति से काम करता है और कोई गलती नहीं करता। ऐसा कहना कि कोई गलती नहीं करता कंप्यूटर, ये बेमानी होगी, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग में गलती होगी तो कंप्यूटर गलती करेगा, लेकिन वो अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार गलती नहीं करेगा। जैसा इंस्ट्रक्शन उसे प्रोग्रामिंग में दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा, उसके अनुसार वो वर्क करेगा। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो उसका फिजिकल रूप है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिस पे काम करते हैं, डाटा इनपुट वगैरह का काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के दो भाग, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर एक परिचय की, तो कंप्यूटर में क्या-क्या चीजें होती हैं इसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर आदि पे विभिन्न टॉपिकों पे बात करेंगे, और हर चैप्टर के बाद उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आजकल सारे परीक्षाओं में, बैंकिंग की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में, यहां तक कि बीटीसी डीएलएड के पाठ्यक्रम में भी कंप्यूटर एक विषय के रूप में शामिल है। तो कंप्यूटर के हर पाठ से जुड़े हुए पाठ की अध्ययन सामग्री और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज हमारी प्रारंभ हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो शब्द है यह अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर यह अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है, और कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वह बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ प्रोसेस करने के लिए, साथ ही साथ विभिन्न डाटा को, विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। तो कंप्यूटर में हम डाटा को प्रोसेस भी करते हैं और उन्हें स्टोर भी करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है, यानी रिसीव करता है, और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह से डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया होता है, उसके अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें उसका आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर का काम डेटा को रिसीव करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा का आउटपुट देना। कंप्यूटर के तीन मुख्य कार्य, डाटा रिसीव करना, डाटा को प्रोसेस करना और डाटा का आउटपुट देना। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा दी गई है, और कंप्यूटर में स्टोरेज यानी स्मृति यह मनुष्य की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। कंप्यूटर का जो स्टोरेज है यह मनुष्य की तरह मस्तिष्क से कई गुना ज्यादा होती है, और कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी जाती है। आजकल मोबाइल में आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आपने बहुत देखा होगा, कैमरे में देखा होगा एआई मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड, तो यह भी कंप्यूटर की देन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा यह कोई भी अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है।
डेटा या कोई भी आंकड़ा हो सकता है, जो भी हम डाटा डालना चाहें, जो भी आंकड़ा हम डालना चाहें, जो भी तथ्य डालना चाहें, वो सब हमारे डेटा हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन लेना हो, ब्लड का सैंपल लेना हो, टेम्परेचर लेना हो, बैंकिंग के कार्य हो, उसमें जो भी हम इनपुट करते हैं, भले ही हम ABCD कुछ भी इनपुट कर दें, वो सब डेटा हैं। वो सभी अव्यवस्थित डेटा है, लेकिन डेटा हैं। और डेटा या किसी भी चीज को प्रोसेस करने से पहले की अवस्था है। डेटा ये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक न्यूमेरिकल डाटा या संख्यात्मक डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा है, इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का, कुल 10 संख्याएं, इसीलिए इसे दशमलव पद्धति कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्याओं को दशमलव पद्धति या डेसिमल मेथड कहते हैं। तो 0 से 9 तक की संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहीं कर्मचारियों का वेतन बनाना हो, या परीक्षा का अंक प्राप्तांक बनाना हो, या रिजल्ट बनाना हो, जनगणना करना हो, रोल नंबर या अंकगणितीय संक्रियाएं करनी हो, जहां भी 0 से 9 तक की संख्याएं हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे हमारे संख्यात्मक डेटा हैं या न्यूमेरिकल डेटा हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है डेटा का, वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा इस तरह के जो भी डेटा हैं, इनमें अंकों का तो प्रयोग होता ही है, उसके अलावा विभिन्न तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अंकों के साथ साथ अक्षर यानी लेटर्स ABCDEFGH, इसके अलावा विभिन्न तरह के चिन्ह, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो डेटा ये दो तरह के हुए, एक न्यूमेरिकल डेटा या संख्यात्मक डेटा, और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें अंकों के साथ साथ शब्द और विभिन्न तरह के चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। डेटा को जब प्रोसेस कर लेते हैं, डाटा डाटा क्या है, यह अव्यवस्थित रूप है, किसी भी रीडिंग का अव्यवस्थित रूप डाटा है। जब उसी डाटा को हम प्रोसेस कर लेते हैं और उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, जब उस डाटा को एक निश्चित सीक्वेंस में, चाहे वो सीक्वेंस कैसा भी रहा हो प्रोसेस का, उस सीक्वेंस में जब हम डाटा को अरेंज कर देते हैं, तो उसे सूचना कहते हैं। याद रखिएगा, डेटा और सूचना में सिर्फ इतना अंतर है कि डेटा यह डेटा का अव्यवस्थित रूप है, जबकि सूचना डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका व्यवस्थित रूप है। अव्यवस्थित रूप को डेटा के रूप में जानेंगे, और प्रोसेस करने के बाद उसके व्यवस्थित रूप को हम सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं? कंप्यूटर यह बहुत तेज गति से कार्य करता है, और तेज गति से कार्य करता है इसलिए समय की बचत होती है। तो कंप्यूटर तेज गति से कार्य करने के कारण हमारे समय की बचत में मददगार है। दूसरा, यह त्रुटि रहित कार्य करता है। त्रुटि रहित कार्य करता है, जिस तरह की प्रोग्रामिंग उसमें फीड गई होगी, फीड की गई होगी, वह ठीक उसी प्रोग्रामिंग के आधार पर डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देगा, उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होगी। अगर प्रोग्रामिंग में त्रुटि है, तो उसके अनुसार त्रुटिपूर्ण हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई त्रुटि नहीं करता। जैसा प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वैसा ही रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर यह त्रुटि रहित कार्य करता है। इसके अलावा कंप्यूटर यह स्थायी तथा विशाल भंडारण की सुविधा देता है। कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं, चाहे वो रॉ डाटा हो या प्रोसेस्ड डाटा हो, उनके भंडारण की बहुत विशाल क्षमता होती है कंप्यूटर में। और वो जो भंडारण होता है, यह स्थायी होता है, उसे हम कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है, साथ ही साथ उनको रिट्रीव भी करता है जरूरत पड़ने पे। तो कंप्यूटर की स्थायी और विशाल भंडारण की क्षमता होती है। इसके अलावा कंप्यूटर यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। इसमें जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या जो प्रोग्रामिंग होती है, जिस तरह का कार्य करने का इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्रामिंग में दिया जाता है, उसको बहुत ही तीव्र गति से करने में यह सक्षम है। यानी उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, उन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर बहुत तेजी से निर्णय लेता है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम के रूप में होते हैं। कंप्यूटर के उपयोग क्या है?
हालांकि आज आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा हो। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं वह है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में कई रूपों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेज, ये कंप्यूटर की देन है। मोबाइल ऐप चला रहे हैं, वो कंप्यूटर की देन है। वीडियो वगैरह जो आप देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, जितने भी ये सारी चीजें कर रहे हैं वो सारा कंप्यूटर का देन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का। इसके अलावा कंप्यूटर यह वैज्ञानिक अनुसंधान में भी यूज किया जा रहा है। विभिन्न तरह के डाटा का एनालिसिस करना, उनको प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान में। इसमें हमारा समय काफी बच जाता है। इसके अलावा रेलवे और वायुयान के आरक्षण में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आप टिकट काउंटर पर जाते हैं तो वहां टिकट आपको जो मिलता है वो कंप्यूटराइज्ड मिलता है। पहले गत्ते वाले टिकट मिलते थे, आजकल कंप्यूटराइज्ड टिकट मिलते हैं। तो रेलवे आरक्षण और वायुयान के आरक्षण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आप बैंक में जाते हैं तो जो भी खाता संबंधी कार्य होते हैं, पैसे निकालना, पैसे डालना, या एटीएम मशीन वगैरह जो भी आप देखते हैं, ये सब कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो बैंकों में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान में भी विभिन्न तरह के शोधों को करने के लिए या विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिक करने के लिए या कई तरह के कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह कंप्यूटर का प्रयोग रक्षा क्षेत्र में भी किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। जैसे गाइडेड मिसाइल वगैरह आप देखते हैं, रिमोट कंट्रोल मिसाइल वगैरह देखते हैं, वो सारा कंप्यूटर तकनीक की देन है। इसके अलावा प्रकाशन में जितने भी किताब छपते हैं, उनका सेटिंग, उनका डिजाइन, उनका पब्लिकेशन, उनके फॉन्ट्स, ये सारी चीजों में प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा व्यापार में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो वहां पे बिलिंग काउंटर पे आप देखेंगे कंप्यूटर है। जो भी बिलिंग वगैरह होती है वो सब कंप्यूटर के माध्यम से की जा रही है। संचार के माध्यम में जैसे टेलीविजन, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब के कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। चूंकि कंप्यूटर डाटा को लेने और उसको प्रोसेस करने में बहुत ही इफेक्टिव है, इसलिए लगभग लगभग प्रशासन के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में, हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना दबदबा बना लिया है। तो ये तो थे हमारे कुछ क्षेत्र जहां कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के कार्य, या डाटा को कलेक्ट करता है, कहीं न कहीं से इसमें डाटा दिया जाता है, तो यह डाटा के कलेक्शन का कार्य करता है। और कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को यह स्टोर करता है, संचयन करता है। डाटा का संकलन और उसके बाद डाटा का स्टोरेज, यह भी कंप्यूटर का काम है। और चूंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तो यह लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद डेटा कलेक्शन और स्टोरेज के बाद यह डेटा को प्रोसेस करता है, यानी जिस तरह के भी प्रोग्राम द्वारा हम उस डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, जिस तरह के रिजल्ट चाहते हैं, उस तरह के प्रोग्राम हम रन करते हैं कंप्यूटर पे, और हमें अपने द्वारा चाहा हुआ डेटा प्रोसेस होता है। तो डेटा का प्रोसेसिंग यह भी कंप्यूटर का कार्य है। और डेटा प्रोसेस करने के बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है। तो डेटा का निर्गमन या डेटा का आउटपुट, यह भी कंप्यूटर का एक कार्य है। तो कंप्यूटर के कार्य मुख्यतः चार भाग में बटे: एक, डेटा का कलेक्शन या डेटा का संकलन; दूसरा, डेटा का स्टोरेज यानी डेटा का संचयन; तीसरा, डेटा का प्रोसेसिंग यानी डेटा का संसाधन; और चौथा, डेटा का आउटपुट या डेटा निर्गमन। तो कंप्यूटर के ये चार कार्य हैं। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यह क्या है? सबसे पहले, जब पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं था उस समय भी डेटा होते थे। उस समय भी डेटा का संकलन होता था, संचयन भी होता था, संसाधन भी होता था और निर्गमन भी होता था। लेकिन ये सारा प्रोसेस मैनुअली किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था। शुरुआत में जब कंप्यूटर नहीं थे उस समय ये सारे काम डेटा के साथ किए जाते थे, लेकिन वो मैनुअली मानवों द्वारा किए जाते थे और उसमें बहुत अधिक वक्त लगता था। जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ
तो इन सभी कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। पहले रिजल्ट बनाने में बहुत सारे दिन लग जाते थे, उसमें बहुत सारे लोग लगते थे रिजल्ट बनाने में। आजकल डेटा फीड किया और कुछ मिनटों में आपके सामने रिजल्ट हाजिर। आज ये देखते हैं कि परीक्षा हुई और 2 महीने बाद रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसमें लाखों लोगों का रिजल्ट है। तो ये पहले समस्या होती थी जब मानव द्वारा ये सारे काम किए जाते थे, तो यह टाइम टेकिंग वर्क था, इसमें बहुत सारा वक्त लगता था। जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो ये सारे काम कंप्यूटर द्वारा किए जाने लगे और बहुत ही फास्ट स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ किए जाने लगे। और इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा डेटा प्रोसेसिंग होती है, इसको हम EDP या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो हम डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, कुछ खास निर्देशों के माध्यम से, उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या EDP कहते हैं। EDP का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग इसको एक ग्राफ के रूप में हम देखते हैं, जो रॉ डाटा है, और रॉ डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिससे हम कोई निर्णय ले पाते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो इस तरह है। सबसे पहले डाटा, ये इनकम होती है, डाटा आता है कहीं से, उस डाटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। कहीं से डाटा कलेक्ट किया जाता है, इनकमिंग होती है डाटा की, उसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद प्रोसेस किया जाता है उस डाटा को किसी खास तरीके से, उस पर कुछ खास रूल लगा करके उनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और उस आउटपुट से हमें आउटगोइंग इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कोई भी निर्णय लेने का तरीका मिलता है उस आउटपुट इंफॉर्मेशन से। तो इस तरह इनकमिंग डाटा, उसके बाद इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, यानी हमें कोई सूचना प्राप्त होती है। जो कंप्यूटर सिस्टम है, चूंकि यह कई सारे भागों को मिलाकर डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के कई भाग मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो जितने भी इनकी इकाइयां हैं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, उनको मुख्यतः हम 3 तरह के पार्ट में बांटते हैं। यानी कंप्यूटर की जो बुनियादी प्रोसेसिंग है, उसको 3 भाग में बांटते हैं, एक को इनपुट, दूसरे को प्रोसेसिंग और तीसरे को आउटपुट। पहला भाग इनपुट, दूसरा भाग प्रोसेसिंग और तीसरा भाग आउटपुट। यानी कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 तरह के उपकरण होते हैं, इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग के उपकरण और आउटपुट के उपकरण। इनपुट क्या है? किसी भी तरह का डाटा जो कलेक्ट हुआ है, किसी भी तरह का डाटा जो कलेक्ट हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर में डालेंगे, तभी उस पे वो वर्क करेगा। क्योंकि कंप्यूटर यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के आधार पे काम करता है और बाइनरी मेथड से काम करता है। बाइनरी मेथड का मतलब है कि यह किसी स्विच के ऑन ऑफ होने से काम करता है, या 0 और 1 पर कार्य करता है, या हमारे डेसिमल सिस्टम पे कार्य नहीं करता बल्कि बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है। और यह सारी सूचना कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित होती है। तो जितने भी यूजर को प्राप्त डाटा है, उन सबको हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो यह जो फीडिंग का प्रोसेस है, जो यूनिट फीडिंग में हमारी सहायता करता है, उसको कहते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, पेन, स्कैनर, इस तरह के जो भी उपकरण हैं, ये कंप्यूटर के इनपुट पार्ट हैं या इनपुट यूनिट हैं। जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो वो क्या हम कर रहे हैं? डाटा इनपुट कर रहे हैं, उस कार्ड के द्वारा डाटा इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें अपना पिन डालते हैं, तो पिन डालने के लिए उसके कीपैड का प्रयोग करते हैं, वहां भी हम डाटा इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या हुए? जिन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, उन सारे डिवाइसेज को हम इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। मुख्य रूप से जो प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस हैं, उसमें कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस,
स्कैनर, पेन, ये सभी आते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है गीगो फैक्ट। गीगो, GIGO, गीगो फैक्ट, ये कहता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा हम डाटा देंगे कंप्यूटर में वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम गार्बेज इनपुट देते हैं तो हमें गार्बेज ही आउटपुट मिलेगा। तो इस कोड से, गीगो जो शब्द है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमें आउटपुट की एक्यूरेसी चाहिए उसके अनुसार हमें एक्यूरेट डाटा देना पड़ेगा। एक्यूरेट हम डाटा देंगे तो एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा, अगर हम गार्बेज इनपुट देंगे तो गार्बेज आउटपुट मिलेगा। गीगो शब्द का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर का जो दूसरा भाग है, जो प्रोसेस की क्रिया करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU। कंप्यूटर में जो पार्ट डाटाओं के संसाधन का काम करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU। और यह जो CPU होता है, यह किसी भी कंप्यूटर का माइंड होता है। यह एक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। यह चिप होता है, चिप की तरह कार्य करता है, जो प्रोसेसर होता है एक माइक्रोचिप की तरह कार्य करता है। और यह किसी भी इनपुट डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में बदल देता है, यानी उनको एक निश्चित सीक्वेंस के अनुसार अरेंज कर देता है, उससे जैसा हमें रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार उसको बदलता है। जो CPU है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो इसका CPU है, और कंप्यूटर का CPU सारे उन चीजों को नियंत्रित करता है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं। कंप्यूटर का CPU उन सभी चीजों को नियंत्रित करता है जो किसी इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य करती हैं। इस तरह इनपुट और ये CPU और आउटपुट, ये तीनों चीजें मिलकर पूरा कंप्यूटर का सिस्टम बनाती हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेसर और आउटपुट यूनिट, ये तीनों चीजें मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं कंप्यूटर में, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन पे जो प्रोसेस किया जाता है, फिर जो आउटपुट मिलता है, इसे हम कहते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल, यह किसी भी कंप्यूटर के संचालन में बहुत ही उपयोगी है। इसमें कंप्यूटर अपने प्रक्रिया में मेमोरी से कोई डाटा फेच करता है, प्राप्त करता है, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको एग्जीक्यूट करता है, तब आउटपुट देता है। और यही सारी प्रक्रिया जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक लगातार चलती रहती है। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये जो साइकिल है ये लगातार चलती रहती है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। कंप्यूटर ऑन होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं बूटअप या बूटिंग। बूटिंग यह कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यह खुद ही अपने सारे पार्ट को चेक करता है कि हमारे साथ कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं और वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं बूटिंग। याद रखिएगा, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया है वो है बूटिंग। फेच इंस्ट्रक्शन, अब ये फेचिंग इंस्ट्रक्शन क्या है? आप ये जान रहे हैं कि कंप्यूटर कि मेमोरी बहुत अधिक होती है और अपने मेमोरी में यह बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखता है रजिस्टर के रूप में। तो कोई भी डाटा जो स्टोर है कहीं, उसको प्राप्त करना किसी दूसरे प्रोग्राम काउंटर के लिए, किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए, डाटा को किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरे दूसरे कार्य के लिए प्राप्त करना, उसको कहते हैं फेचिंग। इसके अलावा डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या है? जब कोई भी डाटा कहीं पे स्टोर होता है तो वो एक कोड के रूप में स्टोर होता है।
कोई भी डेटा कहीं पे एक कोड के रूप में स्टोर होता है, उस कोड को डिकोड करके इंटरप्रेट किया जाता है। डिकोड किया जाता है यानी वहां से डेटा लाया जाता है और वो किस फॉर्म में स्टोर था, उसका क्या मतलब था, इस रूप में उसको फिर से डिकोड किया जाता है। और जब डिकोड हो जाता है वो डाटा, फेचिंग के बाद डिकोडिंग, जब डिकोड हो जाता है तब वह सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में जाता है और वहां पे जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो उनके द्वारा उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले डेटा को कहीं से लाया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूट करने के बाद उससे हमें आउटपुट मिलती है और फिर से वो डाटा स्टोर करने के लिए उसी जगह पे भेज दिया जाता है। और यह साइकिल, यह क्रिया कंप्यूटर में लगातार बार बार चलती रहती है। तो कंप्यूटर के वर्क करने का जो विधि है वह है फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके कौन कौन से भाग होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो भाग होते हैं, एक तो प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट। ये एक लाइन से इन्हें अगर अलग हम कर लें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, किसी भी माध्यम से इनपुट करें तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। ये तो इनपुट और आउटपुट हो गए। बीच में जो कार्य होता है प्रोसेसिंग का, यह सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है और इसमें कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक सीपीयू का भाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग, और दूसरा मेमोरी का भाग, मेमोरी यूनिट। और ये दोनों एक साथ एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू या अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये प्रोसेसर में दो भाग, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो गणितीय संक्रियाओं का ऑपरेशन करता है या विभिन्न तरह के इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, और दूसरा कंट्रोल यूनिट जो मेमोरी के साथ तालमेल बनाकर चलता है। तो कंप्यूटर के दो भाग हुए, एक एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है यह तीन प्रकार का होता है, रोम, रैम और कैसेट। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यह है रीड ओनली मेमोरी, और रैम यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैसे ये तीन पार्ट होते हैं मेमोरी के। अब इनके काम क्या होते हैं? इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिर्फ पढ़े जाते हैं। रैम ये अस्थाई मेमोरी है, जब हम मेमोरी के टाइप पढ़ेंगे उसमें इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। और कैसे, कैसे क्या है, जैसे आप ने कभी देखा है कि आप कोई साइट खोलते हैं तो आपने जिस तरह के सर्च किए होंगे उसी तरह की चीजें आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लगती हैं। ये कैसे मेमोरी है जो इंटरनेट की वेबसाइटों के द्वारा हमारे कंप्यूटर में हमारी पसंद जानने के लिए स्टोर किए जाते हैं। तो मेमोरी यह तीन भागों में बटा हुआ है, रोम, रैम और कैसे। जो हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका पहला भाग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह इसका उपयोग अंकगणितीय कार्यों के लिए या लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। किसी खास इंस्ट्रक्शन के तहत जो भी गणना करनी होती है उसमें एएलयू यह वर्क करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट यह वर्क करता है। इसके अंतर्गत यह जोड़ घटाव गुणा भाग या कोई भी लॉजिकल वर्क हो, जैसे दो चीजों की तुलना करना, हाँ ना करना, इस तरह के सारे काम ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में किए जाते हैं। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ऐसे कोई सा विभाग उसका ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमारे शरीर के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उसमें मस्तिष्क सबसे ऊपर है, इसी तरह अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट यह उन सभी कार्यों को नियंत्रित करता है जिससे डाटा इनपुट होता है, डाटा प्रोसेस होता है, डाटा स्टोर होता है,
आउटपुट मिलता है, यानी यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करने वाला इकाई है, जो कंट्रोल यूनिट है। यह कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे कार्यों को नियंत्रित करना करता है। कंप्यूटर की मेमोरी से कहाँ से हमें डाटा लेना है, किस तरह उसको प्रोसेस करना है, किस तरह आउटपुट देना है, ये सारी चीजें किस तरह से काम करें, इसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट यह डाटा के जो भी डाटा इनपुट हुआ हो कंप्यूटर में उसको स्टोर करने के काम आता है, उसको संग्रह करने में के काम आता है। और जो स्टोरेज है ये मुख्यतः दो भागों में बांटे जाते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज, यानी प्राथमिक संग्रहण और द्वितीयक संग्रहण। जब भी कंप्यूटर काम ऑन होता है, काम करता आता है, उस समय यह वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा और निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में करता है। प्राइमरी मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में जो डाटा संग्रह किया जाता है वह तब तक काम करता है जब तक कंप्यूटर चल रहा हो, उसको कहते हैं रैम में स्टोर होना। और जो डाटा हमें बाद में उपयोग करना है उसको जहां पे स्टोर करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहां पे डाटा स्टोर कर दिया जाता है और वह बाद में भी उपयोग होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तब तक काम करता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर चल रहा हो, कंप्यूटर बंद तो प्राइमरी मेमोरी काम करना बंद कर देता है, उसमें जो डाटा है वो खत्म हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी स्टोर रहता है। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब डाटा प्रोसेस कर लेता है और जो आउटपुट देता है तो उस आउटपुट को जो यूजर है उसका वो कैसे समझे, यानी उस चीज को यूजर के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता है। आउटपुट यूनिट जो है, जो कि हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को नहीं समझते, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। हम डाटा इनपुट करते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज से डाटा को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है ताकि हम उस आउटपुट को समझ सकें। तो जो आउटपुट यूनिट है वह उस मशीन लैंग्वेज को यूजर को समझने वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे जब हम सुपरमार्केट में या रेलवे काउंटर पे जाते हैं या कहीं कोई भी काम करते हैं, कहीं कोई प्रिंट लेने जाते हैं तो हमें एक प्रिंट प्राप्त होता है वो उसको हम समझ लेते हैं। तो इस तरह जो आउटपुट यूनिट है किसी भी कंप्यूटर का वह उस भाषा को यूजर के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। आज के लिए इतना ही। आज हम देख रहे थे कि कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय क्या है। कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर हम आएंगे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम यहां आपके लिए जो भी प्रश्न लेकर आते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।